ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी दोस्तों हमारे साथ समस्याएं हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बाधाएं हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, भक्ति में जाना चाहते हो नहीं जा पा रहे हो, कहीं उस शक्ति को कहीं ढूंढते हो, बाहर ढूंढते हो, इधर ढूंढते हो, उधर ढूंढते हो, अपनी समस्या का समाधान भी बाहर ढूंढते हो, सब कुछ आपके अंतर में है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें। आप सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं? आप टाइम भी देते हो भक्ति में, आप बैठते भी हो मेडिटेशन में, आप मंत्र का भी जाप करते हो, आप ध्यान भी करते हो, फिर भी आपकी बात नहीं बनती। और कभी कभी आपका विश्वास डगमगाने लगता है, और कभी ऐसा विश्वास डगमगाता है कि आपको लगता है कि ये तो सब ऐसे ही है, किताबों की लिखी हुई बातें हैं, ग्रंथों की लिखी हुई बातें हैं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं खुद ही करूंगा। अभी ऐसे भी लोग कहते हैं, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना भगवान की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना माता पिता की गाइडेंस की जरूरत है, मैं खुद कर लूंगा सारा कुछ। और जहां पे सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है, आपसे मेरी प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, साइंस ने पूरा किसी बात पे एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपको बोल दिया कि ऐसा 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 है, आप करते रहो वैसा ही होगा, वो कहीं पे कुछ फर्क नहीं आएगा उसमें, क्योंकि और ईश्वर का नाम आध्यात्मिकता रूहानियत ऐसी है कि पहले मान लो फिर जान जाओगे, और साइंस है पहले जानो फिर मानो। आप जब प्रैक्टिकल रूप से करोगे मेरी बात को, मान लो, और भी महापुरुषों की बात को मानो, अपने गुरुदेव की बात को मानो, और मैं पिछले 45 ईयर से स्पिरिचुअल इजम में हूं, एस्ट्रोलॉजी से लोगों को गाइड किया, रूहानियत से लोगों को गाइड किया, मंत्र विज्ञान से किया, पर जो मेरा अपना एक अनुभव है वो कहता है कि आपके अंतर में बहुत सी चीजों का सलूशन है। आप ऐसी पर्सनैलिटी हो भगवान की बनाई हुई कि जो चाहते हो पा सकते हो। और फिर इसमें मजे की बात है कि आप किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी धर्म में हो और कुछ भी करते हो, आप नमाज पढ़ते हो, आप पाठ करते हो, आप सिमरन करते हो, आप मंत्र का जाप करते हो, आप ध्यान करते हो, और आपको आप उसको पा ही लोगे। और जब जो वो आएगा तो जैसे प्रकाश आएगा, रोशनी आएगा, रोशनी आएगी, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। पर उसमें करना क्या है आपको, जहां पे हम चूक जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कर्मकांड गलत है, इसकी पूजा पाठ में नहीं पढ़ना चाहिए, आप ऐसा ही करो। कुछ कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है, ऐसा ही करो। हर आदमी का अपना अपना अनुभव है, वो आपको कहता नहीं मेरा अनुभव ही ठीक है बाकी गलत है। मैं कहता हूं नहीं, सभी के अनुभव ठीक हैं। जो भी आप करते हो उसको मन के साथ करो, उसमें आपका प्यार छिपा हो, उसमें आपकी भावना छिपी हो। जब तक उसके साथ प्यार नहीं होगा आपका, आपके गुरु के साथ प्यार नहीं होगा, भगवान की शक्ति के साथ प्यार नहीं होगा, आप मन से नहीं करेंगे, आप कुछ भी करते रहें, आप एक अच्छे एक्टर हो सकते हो,
आप एक फिल्मी अदाकार हो सकते हो, पर अदाकारी कभी कभी रियल से भी अच्छी लगती है। आप भक्ति अदाकारी से नहीं कर सकते, आप भक्ति एक्टिंग से नहीं कर सकते, आप उस शक्ति के तक एक्टिंग से नहीं पहुंच सकते। श्री भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में जो भक्त लोग होंगे वो तोते जैसे बोलेंगे। जैसे तोता बोलता, तोते को कुछ भी सिखा दो उसके अंदर फीलिंग नहीं है, और नकल कहते बंदर जैसी करेंगे। आप बंदर के सामने बैठ जाइए, जैसे आपकी नकल वो करेगा, कोई क्या कर सकता है। और हमारी भक्ति लगभग तोते और बंदर जैसी है कि हम वहीं फंसे पड़े हैं। जैसे मीरा ने भगवान को नृत्य करते करते पा लिया, डांस करते करते पा लिया, पर जो मीरा नृत्य कर रही थी उसको कोई होश नहीं थी, उसको सिर्फ अपने भगवान दिखाई दे रहे थे, उसको उसके कृष्ण दिखाई दे रहे थे, उसको उसके ईश्वर दिखाई दे रहे थे। राजघराने की लड़की थी, उनको अपनी इंसल्ट फील होने लगी परिवार को, उन्होंने उसको मरवाने तक का सोचा, जहर तक दे दिया, पर उसने पा लिया भगवान को। हो सकता है उसके नृत्य में बहुत गलतियां हो, जो नृत्य का महारथी हो निकाले कि उसने बहुत गलती की, बहुत गलती की, बहुत गलती की। ऐसे आप भजन गाते गाते पा सकते हो, आपकी संगीत में आवाज हो सकता ना अच्छी हो, पर जब उसको मन से पुकारोगे ना तो आ ही जाएगा। वो आवाज नहीं देखता, वो सुरीली आवाज नहीं देखता, वो हृदय की आवाज देखता है। तो बात हम कर रहे हैं हृदय चक्र की। हृदय चक्र शक्तियों का पुंज है, हृदय चक्र शक्तियों का स्तोत्र है, हृदय चक्र मन को शक्ति देता है। आप हैरान होंगे कि आप सबने सुना कि मन की शक्ति असीम है, 100% असीम है, पर जो हृदय चक्र की शक्ति है, हृदय की शक्ति है, मन से भी कई गुना ज्यादा ताकत रखती है, मन को जे ही शक्ति देती है। पर हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि हम नेगेटिव को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, पॉजिटिव को सुनना नहीं चाहते। आप देखें, किसी की तारीफ करके देखें, मैं कल की बात बताता हूँ, कोई सज्जन है, मैं उनके बारे में बोल रहा था कि बहुत अच्छे हैं, तो मेरे पास थे कोई, दो दिन की बात है, कहते ऐसे भी गुरु जी अच्छे नहीं है स्वामी जी, इतने भी अच्छे नहीं है जितनी आप तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा इतने भी बुरे नहीं है जितना आप बुरा बोल रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति ने, व्यक्ति में भगवान ने अच्छी शक्तियां दी हैं। अपने मन की शक्ति को पहचानो, सब में अच्छाई ढूंढो। बहुत पुराना पुराना एक शेर है, मैं बचपन से सुनता रहा हूं, शक्ल से ना कोई बुरा भला कहलाता है, शक्ल से ना कोई बुरा भला कहलाता है, गुणों का भेद है जो दोष गुण बतलाता है, कोई कीचड़ में कमल को ढूंढता है, कोई कीचड़ में कमल को ढूंढता है, किसी को चांद पर भी धब्बा नजर आता है। अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी दृष्टि को ठीक करें और सच में सोचें, महसूस करें कि आप उस माँ राजराजेश्वरी के बेटे हो, उस माँ शक्ति के बेटे हो, उस शक्ति की बेटी हो, भगवान के बेटे हो। आपके ऊपर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, आपको गुरु मिल गए, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। अगर गलतियां हुई हैं तो अपने गुरु के पास जाके क्षमा मांग के उनसे भक्ति भाव सीखें, उनसे सीखें कि गुरुदेव मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, मैं क्या करूं। पर जब गुरु के पास जाना है तो पूरी ईगो को छोड़ के जाना है। व्यक्ति पूरा पूरा झुक जाते हैं, गुरु के चरणों में लेट जाते हैं, पर उनकी ईगो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, स्तंभ बन करके। कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं पा पाओगे, कितनी भी सेवा कर लो, कितने भी उनको दान पुण्य कर लो, कितने बड़े बड़े काम कर लो, अपनी जब भी गुरु चरणों में जाना तो अपनी पूरी पूरी ईगो को छोड़ के जाना, उनके चरणों में पूरा पूरा झुक जाना, तो आपको इतना कुछ मिल जाएगा उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि कितने कारण हैं जिनके कारण हम नहीं पा सकते। तो हमें सबसे पहले हृदय चक्र को मजबूत करना है, हृदय चक्र को खोलना है,
जैसे जैसे हृदय चक्र खुल जाएगा, आपके मन को शक्ति मिलेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को शक्ति मिलेगी, आपके कलेक्टिव माइंड को शक्ति मिलेगी, और फिर आपकी संकल्प शक्ति पूर्ण हो जाएगी, संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ हो जाएगी। इजी सी बात बता रहा हूं, संकल्प किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। और हमारा भारत के ऋषि मुनि संकल्प शक्तियों के रहस्य से भरे पड़े हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कोई संत महात्मा जंगल में भी रहते होंगे, वहां भी आप देखेंगे उनके उनके संकल्प से क्या कुछ हो जाता है। सब जंगल के जानवरों का जो स्वभाव है बदल जाता है, संकल्प का बल है। आप भी सब कुछ कर सकते हो, संकल्प बल को दृढ़ करें। और कभी भी किसी के प्रति नफरत होती है, किसी के प्रति क्रोध आता है, किसी के प्रति कोई नेगेटिविटी आती है, तो अपने मन को समझाएं, उसकी अच्छी बातों को देखने की कोशिश करें। नहीं होता है, नहीं होता, उससे दूर हट जाएं। कभी कभी मुश्किल हो जाता है तो आप दूर हट जाएं, इग्नोर करें उसको, छोड़ दें उसको, और आप देखेंगे जैसे जैसे भक्ति में आ जाएंगे, आपके अंदर से उसी व्यक्ति के प्रति प्यार भी आना शुरू हो जाएगा। पर अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। जब भी कुछ देखना हो बुराई, तो सबसे पहले अपनी बुराई को देखें और देखें कैसे आपके चक्रा खुलते हैं, और जैसे कैसे आपकी कुंडलनी का जागरण हो जाता है, कैसे आपकी थर्ड आई खुल जाती है, कैसे आपका कलेक्टिव माइंड मजबूत हो जाता है। मां के चरणों में लगें, अपने इष्ट के चरणों में लगें, भगवान के चरणों में लगें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, मन ही मन में अपने इष्ट का ध्यान करें, और आज्ञा चक्र से जो रेजेज हैं, थोड़ी सी हृदय चक्र के साथ उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। पर जो भी करना है पूरे मन से प्यार से करना है, नहीं तो नहीं करना। मन से भक्ति हो, वचन से भी भक्ति सुनाई दे, आपकी लैंग्वेज, आपके बात करने का ढंग, उसमें भी भक्ति का एहसास हो, और जो काम करें उसमें भी भक्ति का एहसास हो, और इमोशनली भी भक्ति का एहसास हो। और इस मन वचन कर्म भाव की शक्ति को आप अपने कारोबार में लगा के देखना। जब आप कारोबार में जाएं, तो पूर्ण रूप से अपने काम के प्रति भी मन वचन कर्म भाव से करें। जॉब करते हो, पूर्ण मन वचन कर्म भाव से जॉब का काम करें। आप देखेंगे कि जो सफलता है आपके कदमों में आ जाएगी, आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। गहरा सांस लें, सांस को नाभि तक ले जाएं, सांस को रोकने की कोशिश करें। श्वास को छोड़ दें, स्लोली स्लोली श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें।
पूरा ध्यान सांस के ऊपर ले जाना, और साक्षी भाव में रहना कि मेरा शरीर सांस ले रहा है, मेरा शरीर सांस छोड़ रहा है। साक्षी भाव में आपका मन के ऊपर कंट्रोल बहुत जल्दी होता है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान से बड़ा कोई वरदान नहीं है। मेडिटेशन परम शक्ति है, ध्यान परम शक्ति है। अपने इष्ट का ध्यान करें, अपनी रेजिस से अपनी बॉडी को, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जहाँ से आपकी रेजिस निकल रही हैं, पाँव से लेके सिर तक, सिर से लेके पाँव तक, उनका एक चक्कर ऐसे रेजिस का बना दें। इससे आपका नकारात्मक शक्तियों से आप बचे रहेंगे, नजर दोष से बचे रहेंगे, और साक्षी भाव आपका मजबूत होगा। शक्ति क्रिया मुद्रा करें, धीरे धीरे कैंसिल करें। ये मुद्रा दिन में आप 3-4 बार 5 बार भी कर सकते हैं। इससे भी नकारात्मक शक्ति का विनाश होता है। आपको भगवान ने, ईश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति दी है। जब भी आप अपने हृदय चक्र पे ध्यान को प्राप्त होंगे, और धीरे धीरे मन की शक्ति, कलेक्टिव माइंड, आज्ञा चक्र स्ट्रांग होंगे, पर उससे पहले अपने आप को क्लीन करें। जैसे हम रोज क्लीनिंग कराते हैं, आप 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए अपने आप को क्लीन करें। उसके बाद जो संकल्प होगा वो बहुत दृढ़ होगा, बहुत मजबूत होगा। संकल्प तो आपका पूरा होगा, अगर उस संकल्प में कोई नकारात्मकता है, कोई नेगेटिव है, कोई बुरी सोच है, तो आपका नुकसान कर सकती है। इसलिए प्योर होके मंत्र जाप साधना गुरु जी के चरणों में करें। ध्यान से आप इतने क्रिएटिव हो जाते हो, इतने आगे बढ़ जाते हो।
कि जहां तक आपको पहुंचना चाहिए उससे भी कई गुना आगे पहुंच जाते हो। और जैसे कभी गलती होती है ध्यान में, तो हम जहां से सीधा नीचे चक्रा पे गिरते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कितने संत महापुरुषों को, कितने और व्यक्तियों को, एकदम पहुंचते हैं नीचे गिरते हैं, जहां पहुंच के बहुत संयम से, बहुत नियमों से उसको संभाल के रखना है। अभी मन में हसा काल हरीम का जाप करें, हसा काला हरीम, हसा काला हरीम मन में जाप करते रहें। मन से भगवान के साथ जुड़ना, भगवान को भोग लगाने लगे तो महसूस करें कि भगवान ने खाना खाया, भगवान ने भोग लगाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी को याद करें, पहले वो खुद खाना खाते थे फिर माँ को खिलाते थे, नियमों के उल्ट था। सब लोग नाराज हुए और उन्होंने कहा मेरी माँ को जहर चला जाए तो, कोई खाना गलत खिला दे तो। वो सच में देखा कि माँ उनके हाथ से खाना खाती थी, हमारे हाथों से भी मां खा लेगी। आप भोग लगाने वाले बने, उसको कैसा भी हो, वो चांदी की थाली में होगा, सोने की थाली में होगा, वो एक पत्ते के ऊपर ऐसे रख दो कि खा लेगी वो। पर जहां से भावना से हो, मां को दिया जलाएं तो सच में मां को दिया जला रहे हैं, मां के आगे दिया रख रहे हैं। फूल चढ़ाएं तो मां को, मां जैसे हमारे फूलों से प्रसन्न हो रही है ना, आप देखें कि कितनी कृपा होती है, कितनी कृपा होती है। आप दिया भी जलाते हो, माँ को फूल भी चढ़ाते हो, माँ को भोग भी लगाते हो, माँ को वस्त्र भी उड़ाते हो, पर फीलिंग कहीं नहीं है। जब तक भाव नहीं है, जब तक फीलिंग नहीं है, बात नहीं बनेगी। मंत्रों में भी शक्ति है, मूर्ति में भी शक्ति है, आप नई मूर्ति पूजा को मानते हैं उसमें भी शक्ति है, पर भावना आपकी सब जगह चाहिए। जब भी आप उसके साथ हुए तो मन से हुए। अपने आप देखेंगे जैसे हम मन से होते हैं ना, तो हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, कौन हैं, क्या हैं। जब वापस आते हैं लगता है फिर वापस आ गए। आप मां के चरणों में, भगवान के चरणों में मन से लगें। मन ना लगता हो प्रयास करें, कोशिश करें, अपने गुरु जी के पास जाएं, गुरुदेव मैं करना चाहता हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझ पर कृपा करो। और जैसे कहा, गुरु के पास पूर्ण रूप से सरेंडर होके, समर्पित होके, हसा काला हरीम। हसा काला हरीम आज्ञा चक्रा पे पूरा ध्यान केंद्रित करें।
आज्ञा चक्रा पे ध्यान रखें, थर्ड आई पे अपने इष्ट की छवि को देखने का प्रयास करें। आप अपने इष्ट से प्यार करें, मन ही मन अच्छे से अच्छे फूलों से उनका श्रृंगार करें। अगर मन से कर पाओगे तो जे रियल फूलों से भी शक्तिशाली होंगे। अच्छे अच्छे फूलों से अपने इष्ट का, माता जी का, साईनाथ जी का, कृष्ण भगवान का, शंकर भगवान का, जिनको भी मानते हो, अपने गुरु का, जो भी आ रहे हो, अच्छे अच्छे फूलों से उनका श्रृंगार करें। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएं उनको। अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनाएं माता रानी को। अच्छे अच्छे पकवान रखें उनके आगे, अच्छा खाना जो आप माँ को खिलाना चाहते हो, प्यार से बना हुआ। हे माँ, मेरे भोग को स्वीकार करो। माँ, इस खाने को, इन फलों को स्वीकार करो। माँ, माँ अच्छे वस्त्रों में, अच्छे फूलों में कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी मुस्करा रही हैं, कितनी कृपा कर रही हैं। हे माँ, हम सब पे कृपा करो। महारानी, सभी को अपने चरणों में लगाओ। माँ, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे माँ ने खाने को ग्रहण कर लिया। वो खाना जो था प्रसाद हो गया, आप भी उसको ग्रहण करेंगे। अपने इष्ट को प्यार से, अभी अपनी कथा व्यथा कहें, अपनी बात कहें, अपनी बात करें, जो भी आपके मन में हो, जो आप किसी को नहीं कह सकते ना, वो आप अपने गुरु को कह सकते हो, अपने इष्ट को कह सकते हो, और वही सच्चे हैं। दूसरे को कहोगे तो कभी भी आपको डाउन करेगा, कभी भी आप पे एहसान करेगा। गुरु इष्ट कभी नहीं करेंगे। हे माँ, तुम बहुत दयालु है, कृपालु है। माँ,
तू सबको क्षमा, तू राजर्जेश्वरी है माँ, तेरे आगे तेरे चरणों में किस चीज की कमी माँ। हे माँ सच्चा रिश्ता तू ही है माँ, बाकी सब झूठ है माँ, जो इस जन्म में भी रहेगा आगे भी तू रहेगी साथ में माँ, ऐसे ही कृपा बनाए रखना महारानी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना माँ। सभी इष्ट शक्तिशाली हैं और मेरी माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, पर इस माँ को प्रसन्न करने से पहले आपको अपनी माँ को भी प्रसन्न करना होगा। अगर आप अपनी माँ को प्रसन्न नहीं करते हो तो ये माँ भी प्रसन्न नहीं होगी। आपको अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करना होगा, बेटियों को बहुओं को खुश रखना होगा, वाइफ को भी खुश रखना होगा, परिवार को खुश रखना होगा, हस्बैंड का भी ध्यान रखना होगा। अपने गोल का संकल्प का ध्यान करें, ऐसी भावना करें ये माँ ने आपके संकल्प पूरे कर दिए, आपके गोल पूरे कर दिए, उससे भी अच्छा हो गया जैसा चाहते थे माँ, तेरी कृपा अपरंपार माँ। थैंक्स करें अपने गुरु महाराज जी का जिन्होंने आपको माँ के चरणों में लगाया। थैंक्स करें गुरुदेव का जिन्होंने सिखाया आपको। थैंक्स करें गुरुदेव का जिन्होंने समझाया आपको, आपका हाथ पकड़ा। माता रानी का शुक्रिया करें, उसकी कृपा से सब हो रहा है, हो गया सब। मयूरपंख मुद्रा करें, मयूरपंख मुद्रा जानते हो आप, दोनों हाथों को ऐसे आंखों के ऊपर रखेंगे और लाइट ढंग से रखेंगे, आंख के ऊपर प्रेशर ना पड़े। माँ का शुक्रिया करते करते माँ जैसे अभी कृपा किया ऐसे ही कृपा रखना महारानी, ऐसे ही मेरे साथ रहना माँ। तेरे स्वा माँ मैं कुछ भी नहीं हूं, ना कुछ हूं माँ, तू है तो मैं हूं माँ, और मैं मेरे जैसे करोड़ों लाखों बच्चे हैं तेरे पास, पर मेरे पास मैया कोई तेरे स्वाए कोई नहीं है माँ। सब पे कृपा करना महारानी, सब बच्चों पे कृपा करना माँ, सभी को अच्छी हीलिंग देना, सभी के ऊपर आशीर्वाद देना माँ। धीरे धीरे मयूरपंख मुद्रा को कैंसिल करें, अपने हाथ उठाएं, आंख खोलें, हाथों को देखें, हाथों को ऐसे रब करके अपने स्पर्श करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संसिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संसिता नमस्तस्यै नमो नमः। हे माँ सब पे कृपा करो महारानी, सबको शक्ति दो, सभी के गोल संकल्प पूरे करो माँ, सभी को अपने चरणों में लगाओ। आज इतना ही, माँ बहुत बहुत कृपा करे, आपके भीतर बैठी हुई सब शक्तियों को प्रणाम करता हूँ।